हेलो फूडीज, वेलकम टू शेफ इट अप। आज मैं मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह से एक बार ट्राई करके देखो ज़रूर। एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल, 3 मीडियम साइज़ के ग्रेटेड प्याज डालेंगे। थोड़ा सा भून लेंगे प्याज को। फिर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे टोमेटो प्यूरी के अलावा 4 ग्रेटेड टोमेटोज यूज़ किए हैं। आप भी किसे हुए टोमेटोज लो, इससे परफेक्ट टेक्सचर आएगा ग्रेवी को। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक भूनना है। ये स्टेप थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर रिजल्ट 100% मिलेगा आपको। तब तक पनीर क्यूब्स लेंगे, उसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अभी पनीर क्यूब्स को एक पैन में नहीं, एक कढ़ाई में तेल गरम करके डालना है। फिर गैस बंद कर देनी है और मिक्स करना है। इससे बिल्कुल गोल्डन स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। अभी ये ऑयल फेंकना नहीं है, इसको हमें ग्रेवी में यूज़ करना है। ये जो लेफ्ट ओवर ऑयल था वो मैंने इस ग्रेवी में डाल दिया है। इसके साथ हमें 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल के ग्रेवी का तेल छूटने तक भूनना है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अभी बिना कोई कंजूसी करके 1 पैकेट पनीर मसाला डालेंगे। एक स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर आने के बाद इस स्टेप पे हमें थोड़ा पानी डालना है। मटर में मिली मुझे कीड़, कोई बात नहीं, इसको निकाल कर फेंक दो। बिल्कुल वैसे जैसे अपने लाइफ से टॉक्सिक पीपल को फेंक दिया। अगर नहीं फेंका हो तो जल्दी फेंक दो। खैर मटर को मत फेंक देना, उससे कढ़ाई में फेंक दो। इस टाइम पे पनीर मत डालो, वरना मटर कुक होने तक पनीर ओवर कुक हो जाएगा। 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। टोमेटोज की खटास मैनेज करने के लिए 7-8 दाने शक्कर के डालने हैं। ज़्यादा मत डाल देना, वरना बहुत स्वीट हो जाएगा। अभी मटर पक जाने के बाद इसमें डालेंगे हम पनीर। और अभी पानी डालकर कंसिस्टेंसी मैनेज कर लो और 3-4 मिनट लो फ्लेम पे ढक के रख दो। 3-4 मिनट हो जाने के बाद गैस को कर दो बंद। तेम में पानी आ गया ना, ट्राई करो एक बार।